नमस्कार, MSTV न्यूज बिहार में स्वागत। मैं मिन्हाज आलम किशनगंज के कोचाधामन ब्लॉक में पुनहास गांव में वार्ड नंबर 14 में शौचालय निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के जो महादलित लोग रहते हैं उनसे हमारी बात होगी। चलिए हम पहले जानेंगे इनसे कि क्या नाम है आपका। नरेश नरेश जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए, आप बाहर आ जाइए। नरेश जी, आपने शौचालय नहीं बनाया, क्या जगह आप नहीं, जगह करने में बना जगह नहीं है तो आपने नहीं बनाया, पर जो ODF करने के लिए जो ब्लॉक से अधिकारी आए हुए थे क्या उनसे आपने मांगा नहीं कि शौचालय बनाएंगे तो जमीन चाहिए, मुझे जमीन का हाँ मांग। है वहाँ कह रहे सोचे इधर हूँ। शौचालय जगह होगा तो देंगे जमीन जी, तो शौचालय नहीं बनाया आपका। ट्यूबवेल जो है घर के अंदर ही है, देख सकते हैं, जैसा कि इनके पास जगह नहीं होने के कारण ये शौचालय, ये जो ट्यूबवेल गाड़ा गया है घर के अंदर ही है, क्या करेगा, गरीबी है, मजबूरी है, तो रहना तो है और खाना तो है, वैसे ही रहना भी है। पर यहाँ जमीन तो आवंटित कराना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन आ जाता, बाई इलेक्शन में वोट के लिए आएंगे और वोट मांग करके अपना सिर्फ रोटी सेकने का काम करेंगे। चलिए यहाँ का महिला जानते हैं, क्या नाम है आपका। नहीं देवी स्निग्ध देवी, बताइए कि आप शौचालय आपको बनाने के लिए कहा गया था। बोलवा पाए तो मोरे आदमी अच्छा, आप ही का बीवी है, हां शौचालय नहीं बनाया आप लोग को, जमीन नहीं था तब नहीं बनाया, तो आप क्या सोच रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं, कहां पर बनाएंगे, जमीन मांग, जमीन नहीं है हम लोग का। जमीन नहीं है आप लोगों का। नहीं आपने कितनी बार कहा है सर, ब्लॉक अधिकारी या जो भी आपके घर में आया बोलने के लिए, बोले कि नहीं आपने कि जमीन, दो बार आया था यहां पर। आया था। तो ये लोग जो है गरीब आदमी का मांग है कि भाई मुझे जमीन आवंटित कराइए फिर हम शौचालय बनाएंगे। शौचालय निर्माण नहीं होने से दिक्कत बढ़ रही है, पर सरकार अपनी प्रतिवक्षण नहीं दिख रहा है। जनता बार बार इस चीज की मांग कर रही है, किशनगंज में फिर से ODF को लेकर बड़ा सा भूचाल मच रहा है। पर देखना यह है कि किशनगंज के जो जिला पदाधिकारी हैं वो ODF घोषित तो कर चुका है कोचाधामन को, हालांकि कई ब्लॉकों को ODF घोषित कर रहे हैं, पर लग रहा है कहीं ना कहीं रूबरू वैसे चीज से हो रही है कि जो सिर्फ अवार्ड लेने के लिए ही किशनगंज के DM महेंद्र सिंह सिर्फ ODF घोषित इसलिए कर रहे हैं कि चाहते हैं कि मैं सरकार के सामने बना रहूं और मुझे एक अवार्ड मिल जाए, यही उसका निर्णय लगता है। जनता इससे परेशान है कि ODF घोषित हो गया पर जमीन नहीं है कि हम शौचालय बनाए, रास्ता में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और महादली के रास्ता में थे उसका बहुत तकलीफ थे। रास्ता नहीं है, रास्ता में तकलीफ है, हाँ तो कैसे देगा, जगह नहीं है यहाँ पर। आइए, एक महिला है, बताइए क्या क्या दिक्कत है। जगह नहीं है, मैं शौचालय कैसे बनवाएंगे, यहाँ तो रास्ता का दिक्कत है, ये महादलित का। तो आप सरकार से नहीं मांग कि आपने कि भाई जमीन चाहिए हमें, जमीन दीजिए। लिखा पढ़ी तो हुआ है सरकार, जो जी बार शाम भलो को डाले कागज बाजता था मगर नहीं हो, नहीं हो, दो बार देके आया उसका, हाँ, दो बार देके आया वहाँ पे, फिर भी नहीं हुआ आपका कार्य। फिर यहाँ वीडियो आया था, यहाँ भी देख करके गया मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। पैखाना का रास्ता, घर घर का जाने का रास्ता नहीं है, शौचालय निर्माण कहाँ से करेगा, ये इनका हालत है। और घर भी इनके पास पैसा नहीं होने कमी की वजह से घर भी निर्माण किया है तो आधा बनाकर छोड़ दिया गया है। तो सिर्फ दिखावे के लिए सरकार को ODF घोषित होना ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि गरीबों को शौचालय निर्माण करने का पैसा तक देना चाहिए पर पैसा तक नहीं मिल पाया, और जो शौचालय बनाने के लिए जिसका जमीन नहीं है उसको जमीन तो आवंटित कराना चाहिए, जमीन भी नहीं दिया गया, फिर भी कोचा धामन को ODF घोषित कर दिया गया, मगर घोषित करने का वजह जानने के लिए MSTV की टीम जब पहुंची वार्ड नंबर 14 और 16 में, जब पता चला कि जमीन नहीं होने के कारण शौचालय नहीं निर्माण कर पा रहे हैं, पर देखना यह है कि अब जो जमीन नहीं है इनको क्या गवर्नमेंट जमीन मुहैया कराती है या इनको अब तक जमीन मुहैया नहीं करा पाएगी, ये देखना है। पर अब जो है सामने जो समस्या आई जमीन को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ है, लोगों का मांग है कि भाई हमें जमीन की आवंटित करा दिया जाए तब हम अपना शौचालय निर्माण करेंगे। MSTV की रिपोर्ट में मिन्हाज आलम, नमस्कार, बन रही है MS न्यूज के साथ किशनगंज।